हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे डीसी से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे कुछ एस्ट अपडेट के बारे में। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि सारे अपडेट आपको पहले मिल जाएं। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ, उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हॉलीवुड अपडेट के बारे में। तो फाइनली अवतार के एम्पायर मैगजीन ने न्यू लुक रिलीज करे, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल लग रहे हैं, जैसा कि हम मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए बात करते हैं एक सेकंड अपडेट के बारे में, जो कि है ओटीटी से रिलेटेड। तो फाइनली द बॉयज का सीजन 4 की शूटिंग अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, 22 तारीख को। जी हाँ, इसी साल 22 अगस्त से सीजन 4 की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और अभी भी इसके एपिसोड आना बाकी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ओटीटी अपडेट के बारे में। तो स्ट्रेंजर थिंग वॉल्यूम 2 ऑफिशियली आ चुका है नेटफ्लिक्स पे, और जब ये रिलीज हुआ था तो गाइस लिटरली, मजाक में नहीं कह रहा हूँ ये बात, मैं नेटफ्लिक्स क्रैश हो गया था, सर्वर में दिक्कत आ गई थी, इतने ज्यादा व्यूवर्स आने लग गए थे एकदम कि भाई नेटफ्लिक्स की नाक में दम हो गई थी। और नेटफ्लिक्स ने काफी टाइम लगे इस चीज को सही करने में और उन्होंने अपने सर्वर को सही करा, ये काफी ज्यादा कमाल का है। और देन इसको कह सकते हो कि स्ट्रेंजर थिंग्स की फैन फॉलोइंग कितनी तगड़ी है। उसी के साथ अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है मार्वल टीवी से रिलेटेड। तो फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम पहली बार टीवी पर 31 जुलाई को आ रही है साल 2022 में सोनी मैक्स पर। तो देखना ना भूलिएगा 31 जुलाई को रात को 8 बजे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो ब्लेड मूवी शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी, पर अब कुछ अपडेट्स आ रहे हैं कि भाई 3 मंथ तक और डिले हो जाएगी, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है और अभी तक रीजन नहीं पता चला, पर जैसे ही अपडेट पता चलेगा मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है वुल्वरीन से रिलेटेड। तो फाइनली डेडपूल के राइटर्स ने एक चीज क्लियर कर दी है कि आपको वुल्वरीन में अनऔथर कैरेक्टर देखने को मिलेगा। जी हाँ, ह्यूग जैकमैन एज रिटर्न नहीं हो रहे हैं वुल्वरीन के लिए, कोई और कैरेक्टर कास्ट होगा। ये अपडेट करी 3 दिन पुराना है, पर आज की वीडियो में कवर कर पा रहा हूँ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है ब्लू बीटल से रिलेटेड। डीसी की अपकमिंग मूवी आ रही ब्लू बीटल, उसकी नीव बिहाइंड द सीन वीडियो मिली हमें, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फाइनल अपडेट के बारे में, जिसके लिए मुझे इंतजार था। तो फाइनली डे जॉनसन ने कंफर्म कर दिया कि आने वाली फ्यूचर में ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन होने वाला है। ओह माय गॉड, ओके, इट्स हैपनिंग, एवरीबॉडी स्टे कॉम, और उन्होंने ट्विटर पे ये चीज क्लियरली मेंशन करी है। उन्होंने बताया एक ट्विटर के माध्यम से कि जब मैं $40 की फाइट करता था तो मैं लोगों की बातें सुनता था, और आज भी वही चीज करता हूँ, तो मैं लोगों की बातें सुनता हूँ तभी तरक्की करता हूँ। तो उन्होंने एक और चीज मेंशन करी कि मैं आपको अभी भी सुन रहा हूँ और आगे भी करके दिखाऊंगा, मैं आपके साथ हूँ। तो भाई सिंपल सी बात है, ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन होने वाला है, ऑफिशियली उन्होंने कंफर्म कर दिया है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब फाइनली डीसी फैंडम में अनाउंस होगी ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन। आपका क्या मानना है, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और उसी के साथ गाइस, अगर आपको और भी तेज सुपर फास्ट अपडेट जानने तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं सारे अपडेट तुरंत वहीं पर ही डालता हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।